बहुत खुश हूँ मैं कि जब शो इस पड़ाव पे पहुंचा कि वो 100 एपिसोड उन्होंने कंप्लीट करे तो मैं उसके साथ थी. सो डेफिनेटली ये एक माइलस्टोन होता है किसी भी शो के लिए. एंड आई एम हैप्पी दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस हैप्पीनेस. नहीं 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 मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है. आई थिंक मैंने बहुत से ऐसे शोज किए हैं इन द पास्ट जिसमें मैं कुछ शोज में बीच में आई हैव एंटर्ड. तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है कि जगह बनाने में मुझे टाइम लगे बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी नेचुरल एंड आई बहुत ईजिली मैं मिंगल हो जाती हूँ सबके साथ. तो और ये शो में तो स्पेशली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं किसी नए एनवायरनमेंट में आई हूँ. क्योंकि शकुंतलम टेलीफिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिनके साथ मैंने 16 साल पहले काम किया था संतान में. तो प्रोडक्शन हाउस मेरे लिए नया नहीं था. एंड पर्ल मैम का ये शो है, इट्स हर बेबी, इट्स हर कॉन्सेप्ट. एंड जब ये मुझे पता चला कि वो लिख रहे हैं उनका शो है तो मैं तो वैसे भी उनके साथ काम करना की मेरी चाहत थी पर वो कभी हो नहीं पाया. पर इस शो के जरिए हुआ उसके लिए मुझे बहुत खुशी है. तो वहाँ पे भी मतलब मेरा एक वो एक बकेट लिस्ट था वो क्लिक हो गया. और उसके बाद अरविंद सर जो मेरे डायरेक्टर हैं इस शो में उनके साथ मैं मेरे करियर का सबसे पहला जो मुझे लीड मिला था स्टार प्लस पे गृहस्थी वो उन्होंने डायरेक्ट किया था. तो जो मेरे डायरेक्टर है वो भी मेरे लिए नए नहीं थे. तो आई थिंक यहाँ पे तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसे था कि मतलब आई न्यू पीपल द पर्सन हु इज हेडिंग द प्रोडक्शन ऑफकोर्स वो भी उनको भी मैं जानती हूँ क्योंकि वो भी संतान में थे आज भी हैं यहाँ पे शो के साथ जुड़े हुए हैं. तो इट वॉज नॉट नथिंग लाइक दैट. एक्टर्स आई थिंक नितिन इज अ गुड एक्टर एंड तो उसके साथ परफॉर्म करने में बहुत ईजी था. इट वॉज क्वाइट नाइस एंड फ्लेक्सीबल. एंड मीरा शी इज वेरी स्वीट, वेरी जोवियल, बहुत अच्छे से जेल हो जाती हैं. तो उनके साथ भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि यू नो लाइक आई हैव टू देर इज एनी एफर्ट दैट नीड्स टू बी डन. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फैमिली. तो ऐसा कुछ नहीं था. एंड प्लस द स्टोरी इज सो गुड, ट्रैक इज सो गुड, शो इज सो गुड. तो वी जस्ट एज एक्टर्स आई फील वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आर परफॉर्मेंस, ऑन वॉट वी आर डूइंग एंड बाकी सब फिर हो जाता है, इट कम्स इन प्लेस. जो भी चेंजेस होंगे वो तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. आई एम श्योर स्टोरी वाइज ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हर एक कहानी में होते ही हैं. तभी तो एक स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाता है. तो वो सब तो होने ही वाला है. और किरदार बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस वुमन सक्सेसफुल है, अपनी जो भी करती है वो जानती है कि वो क्या कर रही है. पार्थ जो कि हीरो है उनकी लाइफ को एक नया रूट देती है, उनकी लाइफ को चेंज करती है. और डेफिनेटली एज हस्बैंड वाइफ अगर हस्बैंड की लाइफ चेंज होती है तो वाइफ की भी चेंज हो जाती है. तो अब वो डायनामिक्स जो है वो किस तरीके से बैठते हैं और वो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं. मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ऑडियंस को ज़रूर मज़ा आएगा. मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ और पर्ल मैम जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी. और ये किरदार भी बहुत आज की वुमन है. तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए भी था. आई वॉन्टेड समथिंग लाइक दिस. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मिला. और ये करते हुए भी मुझे बड़ा मज़ा आता है. मतलब इनफैक्ट थोड़ा बहुत भी जब इधर उधर चला जाता है तो मेरे जो क्रिएटिव हैं वो राज वो हमेशा गाइड कर देते हैं, बता देते हैं कि ऐसे करो, ये करो. इसमें खेलने के लिए बहुत है, अच्छा लगता है कि उसको किस तरीके से कैसे जमाना है. तो इट्स फन, इट्स नाइस. आई एम लविंग इट.